दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से एक बार। ये है मेरा दूसरा व्लॉग और मैं दिल्ली से देहरादून आई हुई हूँ कुछ टाइम रहने के लिए। मेरी कज़न सिस्टर भी यहाँ रहती है, तो मतलब आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कहीं घूमने चलते हैं। मौसम भी आज साथ दे रहा है, नॉर्मली इस टाइम बहुत गर्मी रहती है, बहुत धूप रहती है, पर आज थोड़ा मतलब बारिश वाला मौसम बन रहा है, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई कल किया था मैंने कॉल कि चल आज कहीं घूमने चलते हैं, तो उसने कहा चल चलते हैं। जगह उसको पता है, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने टाइम दिया था 4:45 का, टाइम हो चुका है, हमें निकलना चाहिए। मैंने लैंडमार्क उसको बता दिया कि तू मुझे यहाँ मिल जाइयो, तो मैं उसको वहीं मिलूँगी। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम बारिश वाला हो रहा है, यहाँ यहाँ बादल लग चुके हैं, ये बाल मेरे उड़ भी गए हैं, काफ़ी ख़राब हो गए हैं, बनाकर लाई थी मैं बड़ी मेहनत से, पर कोई बात नहीं, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तब से मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, पर आज हम जा रहे हैं फाइनली। तो टाइम हो चुका है, निकलना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट तो यहाँ मुझे चलने में वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे जहाँ मैंने उसको बताया है कि तू यहाँ पर आ जाइयो, तो वो जगह 10-15 मिनट दूर है यहाँ से, तो मुझे चलकर ही जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो मैं निकलती हूँ यहाँ से, घर से, और मैं सीधा उसके पास मिलती हूँ आपको, मेरी सिस्टर के पास। साक्षी शर्मा एंड हम आ रखे हैं थोड़ा घूमने के लिए बाहर। जो हालत खराब हुई थी मेरी आधे टाइम, जब जब ये लेटा के टर्न ले रही थी ना, मैं ऊपर मम्मी, ये दिल्ली वाले कमजोर दिल वाले होते हैं बहुत, मैं ऊपर देख के मम्मी बचानो गए काम से। पर हमने पहुंच चुके हैं पहाड़ों की वादियों में। हाँ, हम मतलब ऑन द वे है, मतलब मैं कैमरा दूर रखो ना तो अच्छी स्किन आ रही है, पास लाके नहीं। टाइम की थोड़ी कमी है वरना हम मसूरी जाते हैं, बट हम ऑन द वे हैं। यहाँ से भी काफी वादियाँ दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। अब तो सनसेट वैसे हो चुका है तो अब उतना अच्छा आएगा नहीं, मगर ये अब हम वैसे ही दिखाते हैं आपको। ओ कपल चला गया यार, कपल भी था यहाँ पे। अच्छा मैं तुझे वीडियो दिखाऊंगा, मैंने ना बंजी जंपिंग सा करा था थोड़ा ऊपर। हाँ तो कहीं गई हुई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, मैं पूछने वाली थी अगर अभी ज्यादा टाइम होगा ना वहीं चलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रही हूँ जिसे देख के कुछ हो गया है मेरे को, तो हम थोड़ा आगे आ गए हैं और यहाँ से आपको फिर भी क्लियर व्यू दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो सबसे माना जाना कॉलेज है, IMS कॉलेज है। ओके, मुझे रुद्रपुर वाली फीलिंग आ रही है। या आगे मत जाओ ज्यादा, अरे भैया आगे मत जाओ ज़्यादा, यहाँ से खाई है नीचे, ये रही खाई आपको दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ से सीधा वहाँ गिरोगे अगर कहीं गिरेगा तो, यहाँ से दिख नहीं पाओगे अगर गिर गए। हाँ भाई बचेंगे भी नहीं ना, ये किस्मत में हो तो बचे जाएंगे, किस्मत में ना ही हो गिरना। और गाइस
हमारी ब्लॉगर की फट चुकी है मैं ये बीप मारूंगी मैं क्योंकि घर वाले भी देखेंगे इसको। तो दोस्तों ये रही खाई और ये रही हसीन वादियाँ। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ क्योंकि अब हमको थोड़ा भूख भूख भी लग गई है और नीचे जाके कुछ खाएंगे पियेंगे। हाँ मेरे साथ तो तुम भी हो बेटा। अगर मैं हिलूंगी और अगर मैं होगा इतना मैं गारंटी तुझे भी कुछ नहीं होगा, बट जो फट रही है ना वो देख के अच्छा लग रहा है। तुम फिर वो वर्ड यूज कर रही हो, मैं कितना बीप मारूंगी। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे थोड़ा और अच्छा व्यू मिलेगा और वहाँ कुछ खाने के लिए भी मिलेगा, तो हम चलते हैं। थोड़ी देर के बाद उसके से निकलते हैं। अब हमने ठूस लिया है, पी भी लिया है कोल्ड ड्रिंक, तब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है और ड्राइव Let's... और ड्राइव इनको करना है। हमें नींद आ रही है, कहीं हम लुढ़क ना जाए। नहीं मैं नहीं तो दोस्तों हम लोग अब घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है। एंजॉय किया आपने? यस, इट वाज अ गुड आउटिंग। आई होप वी मीट सून। अब हम कहीं और, मतलब अभी तो घर जा रहे हैं पर जल्दी कहीं और का भी प्रोग्राम बनाते हैं और फिर आपको फिर से लेकर जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे घर पहुंचने के बाद। दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूं। एक्चुअली आते टाइम फ़ोन की बैटरी काफ़ी डाउन हो गई थी, तो मैंने सोचा जब मैं घर पहुंच जाऊंगी फ़ोन चार्ज कर लूंगी तब रिकॉर्ड कर लेंगे बाकी का। तो मैं मसूरी रोड मैगी पॉइंट से घर वापस आ चुकी हूं। साक्षी भी अपने घर पहुंच चुकी होगी और आज हमने बहुत इन्जॉय किया, मतलब लॉन्ग राइड भी हो गई, खूब सुंदर सुंदर पहाड़, वादियाँ, ठंडी ठंडी हवाएँ और आज तो मतलब बारिश का भी मौसम बना हुआ है। रात को ही बारिश होगी, आपको मतलब आवाज़ आ ही रही होगी हवाओं की कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, ये देखिए।
तो मतलब बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, पूर्णिमा, आज पूर्णिमा भी है। ये देखिए खूबसूरत सा चांद निकला हुआ है, फुल मून निकला हुआ है, और मतलब बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है आज। खूब ठंडा ठंडा प्यारा सा मौसम हो रहा है, और मतलब मसूरी वहाँ पर तो और भी, मतलब यहाँ पे भी अभी सुंदर हो रहा है, वहाँ तो और भी ज़्यादा हो रहा था। तो मतलब आज हमने बहुत मज़े किए, बहुत मौसम ने भी साथ दिया और हमारी गाड़ी ने भी साथ दिया, और मतलब मज़ा आया आज बहुत। अगर आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।